नमस्कार। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सबके सामने। मैं डॉक्टर रविंद्र बाबू आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ कोटा के बहुत ही अच्छे चित्रकार जो बूंदी शैली में अपना काम करते हैं हमारे साथ हैं, जिनका साक्षात्कार इंटरव्यू और वार्तालाप करेंगे मेरे साथी डॉक्टर धांसु अनु सिंह धाकड़। मैं डॉक्टर अनु सिंह धाकड़ साहब से अनुरोध करता हूं कि आज की इस वार्तालाप को प्रारंभ करें ताकि हमारा कार्यक्रम गति पकड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र बाबू जी, और सभी सभी श्रोता और दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आह्वान करना चाहूँगा कि हमसे जुड़े और आज की इस महत्वपूर्ण कला परिचर्चा और वार्ता में आप सहभागिता निभाएं। मैं जन सरोकार मंच टॉक को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज ये अवसर हमें इस कला से जुड़ने के लिए देते हैं। साथियों, हमारे बीच में बहुत ही राजस्थान, कोटा शहर, हमारे राज्य, बल्कि मैं कहूँगा देश और विदेश तक ख्याति प्राप्त चित्रकार हमारे बीच में हमसे रूबरू होंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रशंसित करें। बीच बीच में कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं ताकि हमारा संवर्धन हो सकता है। मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ हमारे बीच कोटा बूंदी लघु चित्रण शैली के, जिसको कि मिनिएचर आर्ट भी कहते हैं, मिनिएचर आर्ट के सुप्रसिद्ध चित्रकार शंभू सिंह जी चौकदार से मिलवाना चाहता हूँ। शंभू सिंह जी चौकदार, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। जन सरोकार मंच का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे मौका दिया अपनी कला को शेयर करने का, अपनी बातों को शेयर करने का। मैं बहुत कुछ बातें अपनी कला के बारे में बताऊंगा और मैं उन सब तमाम दर्शकों का, जन सरोकार मंच के जो जुड़े हुए हैं देखने वाले दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं और वो जुड़े रहें और बहुत सी कलाओं का आप ज्ञान प्राप्त करें और देखते रहें, और मैं आभारी हूं आप सबका। कला के क्षेत्र में राजस्थान बहुत ही समृद्ध रहा है, चाहे वो लोक कलाएं रही हो, चाहे वो परंपरागत कलाएं रही हो, चाहे वो आधुनिक कलाएं रही हो, और कलाओं का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत रहा है। और इस व्यापकता में है रंगमंच है, साहित्य है और लोक नाट्य है, बहुत सारी चीजें हैं। उनमें से दीवारों पर उतारे जाने वाले, उकेरे जाने वाले चित्र भी हैं और इसमें बड़े। और कोटा बूंदी की एक विशेषता रही है हमारे राजस्थानी परंपरागत चित्र शैली की कि यहाँ पर किसी चित्र का छोटा रूप बनाया जाता है जी, जिसको कि लघु चित्र शैली कहते हैं, उसका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार रहा है और सुंदर बनाने में कला शुरू से ही, आदि काल से ही ये अपना स्थान बनाए रखती है। और राजस्थान इस मामले में हम कहेंगे कि संगीत हो या चित्रकला हो या रंगमंच हो या खेल शैली हो, गायन शैली हो, सभी कलाओं के लिए समृद्ध रहा है। बिल्कुल सही। ऐसे में ऐसे ही कला समृद्ध शहर कोटा से हमारे शंभू सिंह जी चौकदार हमारे बीच में है, जो लघु चित्रण शैली जो कोटा कलम के नाम से और बूंदी कलम के नाम से कलाकार हैं और ये इसमें दखल रखते हैं और अपनी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं। मैं शंभू सिंह जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। जी, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। मैं कोटा राजस्थान से शंभू सिंह चौकदार, इसे चौकदार आर्ट गैलरी से। मैं कोटा बूंदी शैली चित्र बनाता हूँ और कोटा की पेंटिंग है, बूंदी की पेंटिंग है, ये काफ़ी समर्थ रही है और काफ़ी इसको बनाने में संघर्ष रहता है, काफ़ी बहुत इसमें कठिनाई आती है। बिल्कुल, और मेरा भी बहुत संघर्ष काल रहा है। बिल्कुल, जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, हर कला साधना होती है और साधना में बिल्कुल कला साधना होती है। बिल्कुल सही बात है कि मैं, मेरा एक इतिहास में आपको बताऊं जी, मेरे दादा परदादाओं का जी जी, बात ये 100-150 साल की है, अपने बहादुर सिंह जी के टाइम की। उस टाइम पे मेरे जो पापा के जो पापा थे जी, वो चौकदारी के साथ साथ मतलब चित्रकारी में भी दखल रखते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो विरासत में मिली है, विरासत में
मिली भी है, मैं भी मिली है, तो बातें मेरे को सुन कर दी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आपका निजी संघर्ष भी रहा है? जी बहुत रहा है। तो क्या हुआ कि भादुर सिंह जी के टाइम पे मेरे दादाजी ने ऐसे उनका एक चित्र बना दिया, पोर्ट्रेट, और वो किसी के मार्फत वहां पर पहुंचा दिया। वहां पर जब उन्होंने देखा तो वो पोर्ट्रेट बूंदी दरबार को बहुत पसंद आया और उन्होंने उससे प्रभावित होकर उनको बुलाया कि इसके मार्के इन चित्रकार को मेरे सामने लाओ, क्योंकि गांव के लोग थे। अब वो घबरा गए एकदम से, उन्होंने कहा कि राजू मैं कोई गलती तो ना होगी क्या जो वाले बुलाए थे, दरबार ने कैसे बुलाया, दरबार का नाम सुनता ही सब टाइम पर। सही बात। तो उन्होंने बुलाया तो वो कहने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उनके एक सवारी भी भेजी घोड़ा, तो वो चलो कोई बात होगी। वहां पर जाके जब उन्होंने देखा वहां पर और उनको अवगत किया भाई ये आपने बनाया चित्र, के हाँ हुकम ये मैंने बनाया, मेरी प्रशंसा थी कि मैं आपको एक भेंट करूं, कि तो ठीक है ये चित्र आपने बहुत बड़ा बनाया है और मैं हम आपको एक राजचितारा की उपाधि हम आपको देना चाह रहे हैं। बिल्कुल राजचितारा की। तो बहुत खुश हुए यार उस टाइम पे, चला देश आजाद हो गया जी। उसके बाद में जब राजाओं के राज चले गए, जागीरें चले गई, तो फिर क्या है कि परेशानियां कलाकारों को भी आने लगी जी। चौबदारी से उनका पैसा था, वो चौबदारी पैसा हट गया और फिर खाने कमाने का जब नौबत आई तो हमारा परिवार जो वो तो एक सारे लेकर मेरे पापा भी वहां से आए बूंदी रहे, बूंदी भी कुछ टाइम बाद में यहाँ रहे। तो वो क्या है कि एक बात मैं कहूंगा कि खून में जो कला होती है उनका जोर जरूर दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, कलाएं इसी प्रकार से परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पापा तो फिर कर नहीं पाए, तो मेरे को विरासत में वो मिल नहीं पाए जी। लेकिन जो खून में जो उबाल होता है कला का, वो मैं बात बता रहा हूँ, मेरे अंदर एक कला बचपन से मेरे रही और मैं अब मैं 90 से चालू करता हूँ, मेरी कला यात्रा 90 से चालू हुई साहब। और 90 में मेरी शादी हो गई जल्दी, तो कहा कि यार अब अपने ऊपर एक परेशानी आ गई है, अब ये शादी जल्दी होगी तो अपने पास जिम्मेदारी भी आएगी, तो मैंने थर्मल में नौकरी चालू कर दी जी। उस टाइम पे थर्मल में नौकरी करता था, मेरे अंदर दो खूबियां थी कि मैं गायकी भी करता था, गाड़ी क्या बात है, हाँ, जी मैं गाता भी था और ये पेंटिंग भी बनाता था जी। पेंटिंग का इतना शौक मेरे उस टाइम पे था कि मैं वहां के जो रजिस्टर रहते थे थर्मल के रीडिंग वाले, उनमें मैं पेन से चित्र बनाया करता <क्या बहुत अच्छा laughs> तो बहुत से जो इंजीनियर वगैरह थे तो वो खुश होते थे, बहुत से हमें डांट भी देते थे कि क्या करते रहते हो, बहुत से हमें वाई वाई कहते थे। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे देखा कि यार अपने अंदर ये अपने थर्मल की नौकरियां हैं, कॉन्ट्रेक्टर की नौकरियां हैं, और अगर कॉन्ट्रेक्टर निकाल देगा तो फिर कल का अपन क्या करेंगे जी, अपन गाने का फील्ड अपनाए या फिर अपन चित्रकारी का, मतलब दो राय पे आ गए जी। हर जीवन दो राय पे होता है, आदमी एक बार जीवन में दो राय पे होता। बिल्कुल। मैंने निर्णय फिर ये करा, मैंने कहा यार गाने में तो हूट कर देते हैं लोग, वहाँ इंसल्ट होती है तो यार बात तो नहीं, वो भी एक कला है। हाँ, लेकिन वो एक स्टेज वाली बात है, जहाँ अपन सर पाते हैं वही चुने। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि यार अपन तो चित्रकारी का ये क्षेत्र अपना है। एक सत्यनारायण जी गौतम का मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे प्रथम गुरु थे। यहाँ पर एक बार बेचारे बॉडी में ऐसे बनाते रहते थे, मैं रोज वो उनके सामने से निकलता था और मैं दो तीन दिन में उनसे ना, मैंने साहब मैं उनका चौधरी जी का लड़का हूँ दुर्गालाल जी का, और मैं पेंटिंग सीखना चाहता हूँ वहाँ भी आ जाओ तो साहब मैं उनके पास चला गया और वहाँ पर पेंटिंग में बनाने लगा। तो उन्होंने कहा कि भैया ये राइटिंग के जो ऐसे ये होते हैं राइटिंग के ब्रश, उन्होंने ये राइटिंग के मेरे को बता दे राइटिंग करो, ये बहुत पट्टी पोतर ये लिखो। दो तीन दिन मैंने कहा, मैंने कहा यार ठीक है करता। अब एक दिन ऐसी बूंदी से लेकर पेंटिंग बना रहे थे, तो वो पेंटिंग बना रहे थे, मैंने कहा ये पेंटिंग के साहब ये बूंदी से लेकर पेंटिंग है, तो मैंने कहा बूंदी से लेकर मेरे को भाई साहब ये सीखनी है। बिल्कुल। कितने की हो, मैंने कहा कितने की क्या, और ये तो बच्चों की है 10-15 रुपए की पेंटिंग होगी, उन्होंने कहा कितने की होगी, मैंने कहा ये कि नहीं ये बहुत महंगी पेंटिंग होती है, बूंदी से लेके पेंटिंग है ये 500 से और 5000 10000 के इस प्रकार से आपका संघर्ष, हां ये 3000 की पेंटिंग है। मैंने कहा मेरे को तो ये सिखाओ भाई साहब, तब से मैंने चालू आई है पेंटिंग का और 90 के टाइम से मैं आज संघर्ष में लगातार सीखते रहे। बिल्कुल। संभू सिंह जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे
कि आपने राजा महाराजाओं की बात करी, बूंदी दरबार की बात करी, रजवाड़ों की बात करी, रियासतों की बात करी, तो ऐसा देखने में आता है कि रजवाड़ों के समय में सभी कलाओं का विकास हुआ, वो कोई सी भी कला हो, सब कलाएं फली फूली, लेकिन वो संरक्षित भी हुई। बिल्कुल, क्या कारण रहा होगा कि क्या कलाएं अब विलुप्त हो रही? विलुप्त का तो मैं एक जवाब दूंगा साहब कि मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद राजे महाराजाओं ने माली की तरह इन कलाओं को संरक्षण दिया। मैं बताता हूँ इसके बारे में। हाँ। जब तक राजाओं का राज रहा, जी राजा महाराजाओं का राज में काफी फली फूली उपस्थित हुई, पतन भी राजा महाराजाओं के टाइम पे भी और मुगलों के टाइम पे, जैसे औरंगजेब के टाइम पे इसका काफी पतन हुआ, जागीर के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे इसका क्या कारण रहा? मतलब उसका ये रहा कि राजाओं को उस टाइम पे एक शौक हुआ करता था, उसमें दो कारण होते थे, एक तो शादी ब्याह, एक खुशी का टाइम और एक स्मृति, तो होता है जैसे कि राजा जी शिकार करने गए, तो उसकी स्मृति पे एक राज क्षेत्र का एक काम होता था कि वो राजा उनके साथ जाता था, उसके एक मचान बनती थी, उससे पूरा व्यू वहां से दिखता था, और वो शिकार का खाका जो आज खाका रहता है, खाका वो खींच के लाता था, उसका फैन वो वहां बनाता था। दूसरा ये हुआ, दूसरा शादी ब्याह, उसमें भी उसको सजाने के लिए, वे लोगों को सजाने के लिए इसका प्रयोग काफी किया गया, कला सुंदरता बढ़ाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल आंतरिक और बाहरी सभी प्रकार की सुंदरताएं वो बढ़ाती हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। तो इस कारण से मतलब कला का संरक्षण, बिल्कुल बिल्कुल, ये राजाओं का एक संरक्षण काफी रहा है। आज के टाइम पे क्या है, मैं एक बार और आपको बताऊं कि विलुप्त क्यों हो रही है। जी, कोटा बूंदी से लिए मैं ये होता है कि इसमें पेशेंस की काफी जरूरत है, धैर्य चाहिए इसमें। आप इन पेंटिंगों को देखेंगे, कोटा बूंदी से लेके पेंटिंगों को, इनमें काफी बारीकियां हैं, एक पेड़ बनाने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। क्या बात है, तो एक पूरा चित्र पूरा करने के लिए लगभग कितना समय लग जाता है? बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। एक चित्र बनाने के लिए मैं बताऊं आपको कि 5 दिन से लेके और महीने 2 महीने तक भी एक पेंटिंग में लगता है, वो साइज काम के ऊपर रहती है। जैसे नायका की पेंटिंग है तो आपको मुश्किल से 2 दिन में हो जाएगी, कोई पिछवाई है कपड़े में जो श्रीनाथ जी की बनती है वो पेंटिंग है, आपको जो जो सही वजन बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी बढ़ता है। अब इतना पेशेंस आज की युवा पीढ़ी में नहीं है साहब। सही बात है, आज की युवा पीढ़ी में किसी कला की बुराई नहीं करो, मॉडर्न आर्ट है, आप जाएंगे तो कहीं वो देखने में आपको समझ में नहीं आएगी, चार छीटे मार के वो फ्रेम करके पेंटिंग बन जाती है, आधुनिक में तो यही है। तो आज उसका मानस वहां बना हुआ है, जी इतना वो मेहनत करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आग्रह करूंगा उनसे, अपेक्षा करूंगा नए कलाकारों से, इस कला को सीखे और भारतीय कला को जीवित रखें। चलो, आपको इसमें एक लंबा समय इस कला क्षेत्र में आपने जाएंगे जी, कि कला किस प्रकार से एक कलाकार को और या दूसरे लोगों को जो सीखने के इच्छुक हैं उनको प्रेरित करती है, वो मान सम्मान एक आधार होता है उसका, ना उसको आगे बढ़ाने में, उसको काम में रुचि लेने में मदद करती है। तो मैं जानना चाहूंगा या दर्शक जानना चाहेंगे अपने माध्यम से कि आपको कौन कौन से कला सम्मान मिले हैं, जी मेरे को जिला लेवल से लेके राज्य पुरस्कार, इधर से अपने राष्ट्रीय पुरस्कार कई संस्थाओं द्वारा मिल चुके हैं, राज्यपाल पुरस्कार मिले हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। और एक अच्छी बात मैं बताऊंगा कि मैंने 25,000 पेंटिंगें बना था वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपने, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम हुआ अभी पिछले साल, अमृत हुआ। और अब मैं हमारे भावी जो प्रधानमंत्री जी है उनकी एक मैंने कोलाज में पेंटिंग बनाई है, मैं ऑयल में भी काम करता हूँ, तो मैंने मोदी जी की एक पेंटिंग बनाई है, उसको मैं चाहूंगा कि लिम्का रिकॉर्ड में भेजूंगा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो आपके कलाकर्म को करते हुए जो कला का प्रतिफल के रूप में जो मान सम्मान मिला, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी क्षेत्र में जुड़ने में रुचि पैदा होगी, प्रेरणा मिलेगी जी। कि यहाँ पर काम के साथ दाम भी है और दाम के साथ सम्मान भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल शंभु सिंह जी, अगली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोटा बूंदी की जो मिनिएचर शैली है जी, तो इसकी क्या, इसका उत्पत्ति मतलब किस प्रकार से हुई होगी, यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई होगी इस लघु चित्रण शैली का,
थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल किया है आपने जी, क्योंकि हर कला के बारे में उसका इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है। बूंदी शैली को मैं बता, बूंदी शैली अपनी कोटा से ज्यादा पुरानी बूंदी है जी, 150 साल पुरानी है, और मीणा बूंदा का वहां पर राज था। हाँ, ये राजा ऐसा हुआ कि पहले बूंदी राज्य ही था, कोटा उससे अलग। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि वहां पर हाड़ाओं ने अपनी एक शैली शैली वरिष्ठ है, उसको वहां का पहना और वहां का सारे वहां के चित्रों को आग्रह करके वो वहां की एक डेवलपमेंट करी जी। लेकिन उसमें भी प्योर बूंदी वो पहले नहीं बनी, उसमें भी मालवा का समावेश आया है, क्योंकि चित्रे वहां बूंदी के थे नहीं, मालवा से कलाकार वहां पर जैसे आरक्षण देने के लिए वहां पर लाए और उनसे काम करवाए, तो उनकी शैली वहां बोली मालवा का पुटुस में आया। बाद में ये मुगलों के अधीन हुई बूंदी, तब मुगलों का मुगल शैली का इसमें पुट आया, उस टाइम पे बहुत बारीकी से काम होने लगा। मतलब अपने यहाँ की परंपरागत और मुगलों का प्रभाव दोनों चीजें इसमें देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में जब कोटा स्टाइल यहाँ की आई, कोटा शैली जो यहाँ की आई, वो कोटा शैली में भी 17th सेंचुरी तक बूंदी का प्रभाव रहा जी, टोटली बूंदी शैली पे पेंटिंग बनी है, आप देखोगे तो कोटा बूंदी एक जैसी लगेगी आप। बिल्कुल 17th सेंचुरी तक जी, सेम टू सेम। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में जब वो राजा राम सिंह द्वितीय, उन्होंने अपनी प्रथम शैली डेवलपमेंट करी, और उन्होंने फिर एक अपने जब 17th सेंचुरी से ये कोटा शैली पर हुई, और आप देखोगे तो ये वहां से अलग शैली लगी, 17वीं सदी से बिल्कुल कोटा शैली की तरफ बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं जानना चाहूंगा कि बूंदी शैली और कोटा शैली में कोई विशेष मोटा अंतर क्या है, जिससे हमारे दर्शक कभी अगर उनका पाला पड़ा ये इनका अवलोकन करने का, तो वो पहचान करके अलग कर सकेगी ये कोटा शैली है। बहुत शैली, बहुत सारी चीजें होती है इसको अलग करने के लिए, रंगों से इसकी अलग डिवाइड रंगों का बिल्कुल हर शैली में प्रभाव रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आप देखेंगे कि बूंदी, तो बूंदी में हरा कलर राज और ज्यादा है, नील का चटक रंग ज्यादा प्रयोग में किया गया, हाँ, कोटा में पीला रंग ज्यादा प्रयोग में है, पीला प्रयोग, यहाँ का हरा कलर ज्यादा विशेष रहा है। और आप देखेंगे कि नाग नक्श जो हर शैली के हैं, नायक नायिकाओं के, इनके जो चेहरे जो हाव भाव है जी, वो हर शैली के अलग अलग आए। बिल्कुल, उसी से पहचान, उसी से पहचान अलग होती है। बिल्कुल, उनकी क्योंकि राजस्थान में कोटा बूंदी के अलावा और दूसरी शैली है, हर शैली की पहचान उसकी आंख से, उसकी मानव आकृतियों से, वहाँ के जो वातावरण है उनसे, ये सब डिवाइड करती है शैली को। तो शंभू सिंह जी, मैं अगली बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो कोटा कलम के चित्र बनते हैं लघु या मिनीचर शैली में, तो इनके विषय कौन कौन से विषय हुआ करते हैं? देखो, हर शैली के अलग विषय होते हैं जी, जैसे कि बूंदी, बूंदी के कृष्ण के ज्यादा विषय आए, कृष्ण पर आधारित, कृष्ण पर आधारित ज्यादा, मथुराधीश जी की यहाँ पीठ रही है तो वो भी बहुत ज्यादा रहा है। इधर से आप ले लेंगे रागरागने ज्यादा बनी है वहाँ पर, बारहमासा का प्रयोग ज्यादा बने। बारहमासा में क्या मतलब, इसका क्या सब्जेक्ट होता है? बारहमासा में साहब 12 महीने की पेंटिंगें बनती है। अच्छा, हर महीने की एक पेंटिंग। अच्छा, ऋतु, ऋतु का प्रभाव, ऋतु का प्रभाव रहा है, उसी प्रकार से रंग वैसे बताए जाते हैं। अच्छा, गर्मी में तो पीला रंग दिखाएंगे, हरे बारिश में तो हरा रंग दिखाएंगे, तो ये ज्यादा दिखाया है। और आप देखेंगे कि राग रागनिया 36 रागनियों का सेट तो बना ही है, उसके अलावा राग रागनियों के लड़के लड़की भी वहां बने हैं। उप राग रागनिया। बिल्कुल, ये देखो आपकी जैसे वो पूरा सेट 150 पेंटिंगों का बॉम्बे म्यूजियम में मिलता है। और अपने कोटा शैली की प्रमुखता रही है शिकार चित्र, यहाँ के राजाओं का शिकार का ज्यादा शौक रहा है, शिकार, जैसे हमारे राजा राम सिंह द्वितीय जिनको काफी ये रहा है। आप ये देखेंगे कि राव मुकुल सिंह, तो राव दुर्जन साहब, ये शिकार के काफी शौक रहे जी, राजा महाराजा को शिकार का खूब शौक हुआ, बहुत शौक रहा है। कुछ है को, कुछ है को, कुछ राजा रहे वो कृष्ण भक्ति में लीन रहे। इन चित्रों से उस समय के जो रीति रिवाज थे, लोगों के जो
शौक थे उनका पता चलता है। जी जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, रंगों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार के रंग होते हैं, कि ये रंग बाजार के खरीदे हुए रंग होते हैं या कोई विशेष रंग है जिनमें प्रयोग की? नहीं सर, बाजारों रंग नहीं होते हैं जी, ये एक विशेष रंग होता है। किस प्रकार के? ये प्राकृतिक रंग होते हैं, वनस्पति रंग होते हैं। अभी मैं आपको एक बताऊंगा जी, ये एक पीला रंग है, पीला ये पत्थर का है। हाँ, ये मिट्टी का कलर कह सकते हैं, ये पेवड़ी है, और भी पथरीले रंग है जैसे कि हंसराज इंगुलो है, लाजवरत है, मुर्दा सिंगी है, और भी बहुत सारे रंग है। तो इन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इन रंगों का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए कलम भी विशेष प्रकार के आएंगे। आप ये देखेंगे, ये कटार कलम है, ये पहले गिलहर के बालों से बनाई जाती है, नेचर पेंटिंग बनाने के लिए ये विशेष हथियार माना जाता है। आप देखिए इसको, ये यहाँ से मुड़ी भी रहती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसको कटार कलम कहा जाता है, इसीलिए कटार कहा जाता है। ये एक विशेष पेंट होती है। तो ये कलमें भी विशेष प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन अब समय के अनुसार, क्योंकि गिलहरी के बाल लेना अब कानूनी अपराध माना जाता है, इसलिए प्लास्टिक के बाल। अब ये सरकार का क्या? जी जी सही है, क्या माने, जबकि ये गिलहरी को कोई परेशानी या कोई इसकी नहीं होती है, मृत गैलरी के लिए कलम बनती नहीं है साहब। कागज काम में लेते हो आप? हाँ। कागज किस प्रकार का होता है और कैसे तैयार करते हो? ये हैंडमेड कागज होता है, हाथ से बना हुआ कागज होता है। उसका विशेष नाम वगैरह होता है क्या? आजकल जैसे बाजार में संगमरमर कागज मिलता है जी, और पुराने बहियों के जो कागज आते थे, सली का कागज आता था जी, और घास का कागज मिलता था जी। आप देखेंगे बहुत पत्र देते थे, और बांस के जो कागज आए उसमें भी चित्र बने। तो वो बनाते थे आप, वो उससे मोम लगा करके उसको पत्थर से घिसते थे? ये एक आजकल बसली, उसको हमारी भाषा में बसली बोलते हैं कागजों को, वो एक पतले जो हैंडमेड कागज होते हैं उनकी तय पर तय चिपकाई जाती है। अच्छा। जैसे तीन कागज चार कागज की तय को उसको एक बसली कहते हैं, और उसी पे पेंटिंगें बनती है जी। सुंदर, मतलब वो प्रभाव उसका है। बिल्कुल, उसी पे उसकी वैल्यूएशन होती है। बिल्कुल जी। कोटा बूंदी कलम, अन्य जो राजस्थानी कलमें हैं जैसे किशनगढ़ी शैली है, मेवाड़ी शैली है, उधर मारवाड़ी शैली है, उड़ाड़ की शैली है, तो इनसे कैसे भिन्न होती है? अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आपने मेरे से करा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी जैसा प्रश्न है। इसको भिन्नता के लिए वही होता है कि जैसे किशनगढ़ से लिए, किशनगढ़ से लिए में आंख की प्रमुखता आई है, मत्स्य जैसी आंख आई है, लंबी नाक आई है, ठुड्डी निकली हुई आई है, सुराहीदार उसकी गर्दन आई है, वह एक किशनगढ़ शैली को अपने आप को ये प्रवाह। बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली में बनी ठंडी जो की बनी ठंडी प्रख्यात रही है। आपको मैं बता दूं, राजा रावण सिंह, राजा सामंत सिंह की एक प्रेमिका थी वो, और बनी ठंडी उन्होंने एक किताब दिया था राजा, वो खस सत संवर के जब राजा के सामने आए तो राजा जी ने उनसे कहा कि आज तो आप बड़ी बनी ठंडी लग रही हो, ये मैं आपको एक किताब देता हूँ, तो वो एक उनको एक बड़ी चने का किताब दिया, मतलब वही एक मॉडल बन गया। और बिल्कुल बिल्कुल, और आज विश्व क्या था। बिल्कुल, वैसे आप बूंदी शैली को आज विश्व में जानते हैं? बिल्कुल, बूंदी शैली को भी पूरा विश्व जानता है। बिल्कुल, इसमें अब हम थोड़ा सा राजस्थान से बाहर निकले हैं, तो लघु चित्रण शैली तो वहां पर भी विकसित हुई है, जैसे कांगड़ा है। बिल्कुल, पहाड़ी कलम है ना, तो इसको अपन राजस्थान की शैली से उस पहाड़ी कलम को कैसे अलग करेंगे? इसको आप देखेंगे कि पहाड़ी कलम, ये पहाड़ी कलम बहुत प्राकृतिक मानी गई है जी। आप देखेंगे कि पहाड़ी कलम में जो लोग थे वो उन्होंने प्रयोग इसको पत्थरों का प्रयोग पहले किया, वनस्पतियों का किया, और उसमें अपने यहाँ की जो कलम है हड़ौती की और पहाड़ी की कलम है उसमें नेचुरलता ज्यादा आई है जी, और कृष्ण के चित्रों का ज्यादा प्रयोग उसमें हुआ है, और आप देखेंगे कि उसमें भगवान शिव के भी काफी चित्र आए हैं। वही शैली अपने यहाँ के मुकुट अलग है, यहाँ के फेस अलग है, कलर अलग है। मेन रूप से तो क्या है कि
वहाँ के प्राकृतिक जो दृश्य है बहुत नेचुरल आए, मतलब पीछे का बैकग्राउंड बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, पहाड़ों में जो जो आभा है जो चित्रांत उसके बैक में आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी नायिकाओं में विशेष कोई ज्यादा ज्यादा प्रभु अन्य तो विशेष चित्र वही आया। तो ये लघु चित्रण शैली केवल राजस्थान राजस्थान में तो समृद्ध रही है, लेकिन दूसरी जगहों पर इसका चलन बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये राजस्थान की एक कहावत है कि फरेगा सो चलेगा और कूटे से मजा मिलेगा, है ना? बहुत फेमस। इस कहावत का कला के क्षेत्र में या कला जीवन में कैसे उपयोग हो सकता है? आरती में कहता है फरगो जो चरगो और खुदो खुटो बंदे तो भाई डंडो भी मरोगो। वही कहावत है, वही कहावत है ना? ये बात हमारे पर चरित्र हुई। हम 3000 कलाकार का हमारा ग्रुप बना और 3000 कलाकार हम काफी हमने कला यात्रा की और कला को कोटा से ली, बहुत सी भारतीय परंपरा कला को हमने बढ़ावा देने के लिए हमने इसको चालू करा आज से 4-5 साल पहले। और मैं पहले तो मैंने एक घंटा बताता हूँ कि फिरेगा जो चलेगा। हम यहाँ पर से दिल्ली गए, इंटेक में हमारी कला प्रदर्शनी लगाई 5 कलाकारों की और वो प्रदर्शनी साहब हम 2 दिन तो एक निरस्ता में रही बिल्कुल, लेकिन वहां फिर दूसरे दिन जो लोग आए दर्शक आए, दर्शक हालांकि मैं क्यों कम आए वहां पर क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी आम आदमी वहां नहीं पहुंच सकता था क्योंकि इंटेक का वो बहुत बड़ा ऑफिस था, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे आए कि 2 मियां बीवी आए वहां पर, पति पत्नी आए, उन्होंने हम 5 आदमियों की चित्र वो प्रदर्शनी थी, लुकमान भाई की थी, मेरी थी, उन 2 आदमियों ने हमारे वहाँ 5-6 लाख रुपए का हमारा वहाँ पर बिक्रा किया, हमारी पेंटिंग वहाँ पर खरीदी कोटा बूंदी से तो लेके। ये जो आपने बताया 3000 कलाकार, ये कला मिशन था आपका जी, जिसके तहत आप पूरे भारत भर में पिछले 5-7 सालों से घूम रहे हो। बिल्कुल, तो उसी से ये प्रभाव जो आप अभी बात कर रहे हो ये आपके जीवन में बिल्कुल, ये जब फिरेगा वो चलेगा वही वाली बात आ जाती है। कठिनाई भी आई, हमारे एक कलाकार थे हम बताओ, यायावरी से व्यापार भी बढ़ता है और समझ सोच भी बढ़ती है, वो भी होती है। मैं आपको बताऊं एक हमारे एक और 3000 कलाकार, एक तो हमारे दासु जी है एक हमारे मित्र थे वयोवृद्ध कलाकार थे, उन्हीं से हम अप्रिशिएट हो गए, हमने ये चालू करा। डीपी छापड़ा जी थे, बहुत अच्छा उनका हमारा समर्थन, हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती थी, हम तीनों साथ जाया करते थे 3000 कलाकार और ये उन्हीं की देन मानता हूँ मैं। तो हम कलकत्ता गए तो कलकत्ता में बीच में बेचारे को बीमार हो गए, उनके लिए हमारे को ट्रेन तक रोकनी पड़ी साहब, डॉक्टर आए आपको तो पता है और वहां पर ही उनको चेक कर करा और सारा करा, वो इतने ही एक्टिव थे मैं आपको बताऊं कि वो बीमारी में भी इतने उत्साहित थे कि उनको डॉक्टर को भगा दिया उन्होंने, अरे यार तुम उतरो नीचे में तो तैयार हो, मैं तो साधना होती है और साधना से सिद्ध हो जाता है बिल्कुल। और वो जो कलकत्तापन गए हम गए तो कलकत्ता में हमारी जो कला थी वहां पर वो हर तरह की कला वहां विकसित हुई और आज हमारे वहां पर बहुत बड़ी पहचान है। चलो एक सवाल और करना चाहूंगा मैं जी, अभी हम देख रहे हैं 5-6 महीनों से जी एक विशेष प्रकार की महामारी ने पूरे समाज को घेरे हुए है बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है वो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं तो कलाकार भी प्रभावित हो रहे हैं, बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो आपकी चित्रकला है या चित्रकार जो है आपके भाई बहुत प्रभाव पड़ा है कलाकारों पे जी, कलाकारों पे इतना प्रभाव पड़ा है कि जो टूरिस्ट थे जी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है टूरिस्ट पे जी। और ये जो आज का जो मिनिचर या भारतीय पारंपरिक ये जो है ये टूरिस्टों पे ही आधारित है जी, क्योंकि राजा महाराजाओं तो चले गए बिल्कुल, इसको सहज समझने वाले आज कोई धरी धोनी नहीं है, सरकारें तो बस अपने खातों में अपनी बात पूर्ति कर लेती बिल्कुल, है बिल्कुल, राजे गए राज गए कला भी उनके साथ चलेगी, उनके साथ चलेगी और वो सरकार भी आज अपनी खाना पूर्ति आज कर की सरकार केवल खाना पूर्ति कर बिल्कुल बिल्कुल। कलाकारों को आज कोरोना में भी कुछ भी नहीं मिला, कलाकारों को बहुत बढ़िया बात है ना, कोरोना में भी कुछ भी नहीं मिला बिल्कुल, जबकि कलाकारों को संरक्षण देना चाहिए था। और सारे जो अंग्रेज लोग टूरिस्ट आना बंद हो गए, तो मैं चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि सरकार को कलाकारों को गोद लेना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और आज क्या है कि एक और मैं बात बता देता हूं आपको,
सब कहते हैं कि कला को बढ़ाओ, कला कैसे बढ़ेगी? कलाकार जीवित रहेगा तभी तो कला बढ़ेगी। बिल्कुल, कला को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए आज रोजी रोटी पर उसकी बढ़त वो बिल्कुल भी है, वो भी है। तो कलाकारों को सरकार को गोद लेना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वेबसाइट बना के, जैसे आज किसान का गेहूं खरीदने के लिए सरकार आगे आती है, बिल्कुल कलेक्टर वहाँ आ जाता है, यहाँ पर वैसे सरकार को भी एक प्लेटफॉर्म कलाकारों को बनाने के लिए, ठीक है आप खरीद लो कलाकारों से रिजनेबल दाम पे, उसको आप अपने स्तर पे बेचो, बिल्कुल आगे बढ़ाओ। आज आप में एक बहुत बड़ी बात बताते हो, आज देखो कि अमेरिका में, फ्रांस में, आज आप मैंने पढ़ा है भी, आपकी कलाएं तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सब जगह गई है। अरे साहब 75 करोड़ की एक अभी पेंटिंग बिकी है, ये देखो आप, बिकी पेंटिंग, लेकिन जो मेन कलाकार है उसको कुछ नहीं मिलता है, बिचौलिए बिचौले बिचौले उसका ये ले जाता है। मैं जो चाहता हूँ की आज जो सरकार है उसको नीलामी पेंटिंगों की कराना चाहिए, हर कलाकार की चुनिंदा करके लिस्ट बना के उनकी पेंटिंग है वहां पर मंगा ले, उसकी नीलामी करे, जैसे अमेरिका अमेरिका में बड़ी बड़ी होती है, तो सरकार भी कमाएगी, कलाकार भी कमाएगा, वो बिचौले से हट जाएगा। मैं सरकार तक की बात इस कड़ी में एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा जी, कि कोरोना ने सभी को प्रभावित किया है, ऐसे में कला और कलाकार दोनों प्रभावित हुए हैं, और जो कला के चहेते हैं वो लोग भी प्रभावित हुए, क्योंकि बाहर का व्यक्ति जो इस कला को खरीद नहीं आता था वो नहीं आ पा रहा। तो सभी कलाएं प्रभावित हुई है, जैसे मैं जादू के क्षेत्र में हूँ, मेरे बहुत सारे जादूगर साथी उनके फाके पड़े हुए हैं, तो क्या करें, कहाँ जाए, सब शो बंद है, तो है ही सही। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी कोटा वाली कलम है, इस शैली में, लघु चित्रण शैली में आज का युवा किस प्रकार से अपनी संभावना देखता है आगे, क्या इसका बाजार है, क्या विश्व में इसकी मांग है, कैसे सर्वाइव करें, कैसे अपना है ये, क्या ये आज की पीढ़ी को, नई नई पीढ़ी के बच्चे क्यों सीखे इसको, ये प्रश्न अभी आप जो प्रमुख बात कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आज की युवा पीढ़ी एक ठीक है निरस हो जाती है, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं यार ये कला बिक भी रही है, तो जब कला बिकेगी तो वो आदमी ऑटोमेटिक ही जुड़ेगा। बिल्कुल। और युवा आज का इसलिए हो जाता है कि यार इतनी मेहनत हो रही है इसमें, अब ये बिकेगी भी या नहीं बिकेगी, स्वाभाविक है ना। बिल्कुल। तो सरकार को वही चाहिए कि इसको ये करना चाहिए, और युवाओं को भी आगे आकर इस कला को आगे बढ़ाना चाहिए, और बिल्कुल आज कला सीख रहे हैं लोग और उसका संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यही है कि मतलब सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि आज की युवा पीढ़ी इसको सीख सके। बिल्कुल सही बात बताई आपने जी। मेरा एक और सवाल है कि ये जो लघु चित्र शैली है जी, ये समाज में, समाज की संस्कृति में किस प्रकार से घुल मिल गई है, समाज के तीज त्योहार हैं, ग्रस्त जीवन है, धार्मिक क्रियाकलाप है, बिल्कुल है ना, तो यहाँ किस प्रकार से प्रभावित किया है इसने? बहुत प्रभावित किया था, पहले भी तीज त्योहार, लोक जीवन, शिकार चित्र, सवारियां, इस पे बने काफी चित्र बने हैं, और इन्हीं को इस पे दर्शाया गया। आज भी जो बनाते हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि एक नया 12 मासा इस टाइप का बनाए, उसमें तो नई चीज दिखाए, और आज भी जो हम दिखाते तो समाज का हर क्षेत्र चित्र बहुत अच्छा है। बिल्कुल समूह सिंह जी, बहुत सारी चर्चा हमारी हुई है, बहुत ही रोचक जानकारियां आपने इस कला से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को दी है, आशा है कि ये लोग इस कला के जो बारीकियां थी उसको जान करके इससे जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक और अंतिम सवाल मैं कहता हूँ कि आप कलाकार हैं, और कलाकार वो चीज है कि इस सृष्टि में, इस समाज में, संसार में भगवान को भी परिचय अगर दुनिया से करवाया ना तो कलाकार नहीं करवाया। बिल्कुल, कौन बिल्कुल। जानता राजा रवि वर्मा से पहले हमारे घरों में जो कैलेंडर है, कैलेंडर के द्वारा हम हमारे देवताओं को, देवी देवताओं को, भगवानों को जानता है। बिल्कुल, उसी के माध्यम से बहुत बड़ी चीज हो, आप हस्ती हो। कहते हैं कि कला ही जीवन है, अंतिम बात यही खत्म करेंगे अपने, कहते हैं कला ही जीवन है, क्या आज भी ये खत्म सत्य है, हमारे जीवन में कला का रोल है? बिल्कुल है साहब, क्योंकि कला हर क्षेत्र में आदमी के अंदर है, आदमी बाल संवारता है, अपना मेकअप करती है, ओढ़ता है, आप हार श्रृंगार करते हैं, हर प्रकार के दृश्य देखते हैं, वो एक अपने आप में
कला जीवन है। बिल्कुल, गांधी जी तो यहाँ तक कह गए इस कला के लिए कि बिना कला को आत्मसात किए मनुष्य बिना पूछ के बैल के समान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। और ये देखो कि आप हर इंसान में देखे होंगे, हर इंसान में एक कला होती है, वो संगीत की हो, कला की हो, चित्रकार की, जीवन के हर क्षण में, हर पल में, हर हरकत में। बिल्कुल, वो एक पहलू है। आप एक कदम भी उठाते हो तो शायद वो भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि बिल्कुल ये आपकी जो पंक्ति है बिल्कुल सार्थक है। बिल्कुल, और ये कला ही जीवन है, और मैं तो पूरी तरह से मानता हूँ, मतलब आदिकाल से लेकर के अनादिकाल तक कला जीवन से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, और कला ही जीवन है, जीवन के बिना बिल्कुल कला भी अपनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों की तरफ से आपको। और मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय को आपने देखा सुना और सराहेंगे, ऐसे मेरी कामना है कि एक बार फिर से लाइक कमेंट और शेयर करने की थोड़ी सी निवेदन हम करेंगे जनसरोकार मंच के लिए, और मंच सभी कलाकारों को या इस प्रकार के लोगों को जो आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं उसके लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे शंभू सिंह चौधरी और वार्ताकार थे डॉक्टर धांसु अनु सिंह ढाकर। आज की इस वार्ता और सारी बातचीत का जो निचोड़ रहा, मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकगण इसका जरूर लाभ लेंगे। एक और इस मंच से हमारा निवेदन है आप सभी लोगों से, सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में हमारे जितने भी कलाकार लोग हैं उनकी स्थितियाँ बहुत बिगड़ी हैं, और कलाकार हमारे राष्ट्र की धरोहर है। इस धरोहर को हम सबको मिलकर के बचाना होगा। हम सब जितना भी अपने आसपास में जो कलाकार हैं उन लोगों की जिस भी प्रकार से हम मदद कर सकें, हम भावात्मक रूप से हम जिस भी प्रकार से अपने कलाकार दोस्तों के साथ रहें तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार हमारी कला जीवित रहेगी। और एक बार फिर से मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।